सबसे छोटा अपार्टमेंट इस वक्त हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट है 22 लाख रुपए में, ठीक है। 22 लाख में अपार्टमेंट है, 1 लाख रुपए आप रजिस्ट्रेशन फीस देंगे, 48 मंथ्स तक आपने 20,000 रुपए महाना अदा करना है जिसकी कीमत बन जाएगी 9,60,000 रुपए, और 4 आपने सालाना किस्तें देनी है जिसकी कीमत बन जाएगी 60,000 रुपए, 4 आपने सालाना किस्तें अदा करनी है जो कि 2,40,000 बन जाएगा। टोटल आपने जो कंपनी को अदा किए हैं वो है 12 लाख रुपए, जबकि 22 लाख कीमत है अपार्टमेंट की, तो 10 लाख रुपए कंपनी अपनी तरफ से मिला के आपको कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट दे रही है, ठीक है। हम आपसे 12 लाख रुपए लेकर आपको अपार्टमेंट दे देंगे, आप रहते हुए 10,000 रुपए महाना करके कंपनी को रिटर्न करेंगे, 20 साल तक आपने देने हैं। ये फाइनेंसिंग है कंपनी की तरफ से। अगर आप 20 साल तक के प्लान पर नहीं जाना चाहते तो आप 22 लाख रुपए यकमुश्त भी दे सकते हैं और 40 महीने की डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट पे भी दे सकते हैं। अच्छा, तो जो डायरेक्ट कैश देगा वो फायदे में रहेगा? देखिए, ये तो आपके अपनी अफोर्डेबिलिटी पे है कि आप लमसम देकर ज्यादा सिक्योर फील करते हैं या आप इंस्टॉलमेंट देकर ज्यादा इजी फील करते हैं, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा देखें, ये सबसे छोटा अपार्टमेंट है तकरीबन 450 स्क्वायर फीट का, ठीक है। अगर आपको बड़ा अपार्टमेंट चाहिए तो वो हमारा 650 स्क्वायर फीट का है जो कि जिसकी प्राइस 32 लाख है और उसकी डेफिनेटली मंथली इंस्टॉलमेंट ज्यादा हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। और फिर उससे बड़ा अपार्टमेंट आ जाता है जिसके अंदर 3 बेडरूम है और लाउंज है, ठीक है, और इसकी प्राइस फिर उससे ज्यादा हो जाती है। तो जो आपकी नीड है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना अपार्टमेंट साइज चूज कर सकते हैं। नहीं, मरले में नहीं होता, ये 450 स्क्वायर फीट का होता है, ये तकरीबन 650 स्क्वायर फीट का होता है, ये तकरीबन 850 से 900 स्क्वायर फीट के दरमियान में होता है।